नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जम्मू कश्मीर में आज शहरी निकाय चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांसीसी रक्षा उद्योग से मेक इन इंडिया पहल के तहत विनिर्माण कार्य के विस्तार का आग्रह किया। सरकार ने आश्वासन दिया, इंटरनेट बंद होने की स्थिति में भारत को इंटरनेट शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए सर्वाधिक मतों से चयन। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान तितली के असर से पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और खेलों में भारत के साथ हैदराबाद क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज पहली पारी में कल के स्कोर 295 रन से आगे खेलेगा। युवा निशानेबाज बनु भाकर ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय के तीसरे चरण के चुनाव आज जम्मू संभाग में कराए जा रहे हैं। सांबा जिले में सांबा, विजयपुर, रामगढ़ और बाड़ी ब्रह्मणा के चार नगर निगम समितियों के लिए आज सवेरे 6 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सांबा जिले में 56 वार्डों के लिए 84 महिलाओं समेत कुल 242 उम्मीदवार मैदान में हैं। सांबा जिले में कुल 31,818 मतदाता, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 15,510 है। इन मतदान केंद्रों में 19 अति संवेदनशील, 6 संवेदनशील और 32 सामान्य मतदान केंद्र हैं। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए पर्यवेक्षकों और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। सांबा जिले में मतदान के साथ ही जम्मू संभाग के 10 जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान का कार्य पूरा हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रहना। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली से व्यापक बातचीत की। ये बातचीत भारत फ्रांस रक्षा मंत्री स्तर की वार्षिक विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत हुई। सरकारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आपसी रक्षा सहयोग के समूचे दायरे की समीक्षा की, जो कि भारत फ्रांस रक्षा सहयोग भागीदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्रांस के रक्षा उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने मेक इन इंडिया के तहत उनसे भारत में अपना रक्षा निर्माण शुरू करने और उसका विस्तार करने का अनुरोध किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल पेरिस के नजदीक फ्रांस का विमान कंपनी दसॉल्ट एविएशन के विनिर्माण केंद्र का दौरा किया। इसी केंद्र में राफाल जेट विमानों का निर्माण किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि विश्व में इंटरनेट बंद होने की खबरों के बीच भारत में इंटरनेट ब्लैकआउट की आशंका नहीं है और किसी इंटरनेट शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। संवाददाताओं से बातचीत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के संयोजक गुलशन राय ने कल कहा कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और भारत में इंटरनेट शटडाउन नहीं होगा। रूस के समाचार चैनल रूस टुडे ने खबर दी थी कि अगले 48 घंटों में इंटरनेट नेटवर्क के नियमित रखरखाव के कारण विश्वभर में इंटरनेट का उपयोग करने वालों को बड़े स्तर पर इंटरनेट सुविधाओं में परेशानी हो सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में करीब 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है। पेश है हमारे त्रिची संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। उज्ज्वला योजना समाज के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तमिलनाडु में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 10 लाख तक होने की संभावना है। न केवल ग्रामीण परिवारों बल्कि छोटे कस्बों और बड़े शहरों के साधारण परिवारों को भी इस योजना से हुए फायदे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इस योजना की एक लाभार्थी उमा ने बताया, केंद्र सरकार की इस योजना से हमें कई तरह का लाभ हुआ है। इससे हमें खाना पकाने के लिए रोजाना लकड़ी इकट्ठा करने और गोबर के उपले बनाने के काम से छुटकारा मिला है। इससे हमें समय की बचत भी हुई है। इससे अब खाना बनाना आसान हो गया है। उज्ज्वला योजना से साधारण महिलाओं के जीवन स्तर में सही मायनों में बदलाव आया है। इस योजना का महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिची से डॉक्टर के परमेश्वरन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग भी कर सकते हैं।
भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुन लिया गया है। एशिया प्रशांत श्रेणी में 1 जनवरी 2019 से शुरू हो रहे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए कल रात हुए मतदान में भारत को सर्वाधिक 188 वोट मिले। चुनाव के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत को सर्वाधिक वोट मिलना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति रेखांकित करना है। एक रिपोर्ट। 18 नए सदस्य देशों का चुनाव बहुमत से गोपनीय मतदान के जरिए किया गया। एशिया प्रशांत श्रेणी में भारत को 188 वोट मिले। फिजी ने 187 और बांग्लादेश ने 178 वोट हासिल किए। 5 क्षेत्रीय श्रेणियों के सभी 18 देशों में भारत को सर्वाधिक मत मिले। इससे पहले भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 2011 से 2014 और 2014 से 2017 की अवधि के लिए चुना गया था। परिषद का गठन मानवाधिकार से संबंधित विषयों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रधान संस्था के रूप में मार्च 2006 में किया गया था। इसके तहत 47 निर्वाचित सदस्य देश आते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। चक्रवाती तूफान तितली कमजोर पड़कर ओडिशा के पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ गया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के निदेशक केजी रमेश ने बताया कि इसके असर से पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में काफी बारिश होने की अनुमान है। अभी तितली बहुत वीक हो गया है, डिप्रेशन के रूप में है। बारिश थोड़ा सा मिडनापुर, साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर बारिश होगी। उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य जो है त्रिपुरा, मिजोरम के ऊपर होने का संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी के उत्तर क्षेत्र में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। हैदराबाद में भारत के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज आज 7 विकेट पर 295 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। रोस्टन चेज 98 और देवेंद्र बिशु 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से उमेश यादव और कुलदीप यादव ने 3-3 तथा रविचंद्रन अश्विन ने अब तक 1 विकेट लिया है। भारत राजकोट टेस्ट जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। युवा निशानेबाज मनु भाकर ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतकर जूडोका तबाबी देवी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। मनु ने ताजिकिस्तान की बहजान फायजुलाइव के साथ 10 मीटर पिस्टल के मिक्स्ड अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। मनु ने मंगलवार को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक के रूप में पहला पदक जीता था। भारत को निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक मिले हैं। इन खेलों में भारत को अब तक 3 स्वर्ण और 5 रजत पदक मिल चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज इलाहाबाद में उच्च न्यायालय भवन के नवनिर्मित सौध का उद्घाटन करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोंसले, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद श्री नायडू इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का उद्घाटन करेंगे। वे संस्थान में नई सुविधाओं का भी शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय पुलिस सेवा राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रणाली के सुदृढ़ स्तंभों में से एक है और ये आम लोगों का जीवन पुलिस का भरोसा व्यक्त करती है। कल राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा के 2017 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी की शक्तियां और अधिकार वास्तव में आम लोगों की सेवा के माध्यम हैं। उनका प्राथमिक कर्तव्य आम नागरिकों की सेवा करना और गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद लवलीन। अमरीकी पाबंदियों के मद्देनजर ईरान से तेल आयात पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की बैठक को जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है। पत्र ने प्रधानमंत्री के सुझाव को भी दिया है, तेल क्षेत्र की कंपनियों को शेल गैस, मिथेन गैस और एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। दैनिक जागरण लिखता है, महंगे कच्चे तेल का विकल्प खोजने में जुटी सरकार। शंघाई सहयोग सम्मेलन में बैठक के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, चीन को भी सुनाई खरी खरी, शीर्षक से जनसत्ता ने लिखा है, चीन से कहा गया संपर्क परियोजनाओं में देशों की संप्रभुता की गारंटी हो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश हाईकोर्ट में खारिज होने को दैनिक जागरण में प्रमुखता से देते हुए लिखा है, इलाज के लिए नहीं कर सकते इनकार। दिल्ली में मीटू अभियान के अंतर्गत आ रही शिकायतों को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आई, जांच के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया, अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, चौतरफा हमले के बीच महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, जजों की समिति बनेगी।
चार घंटे तक उड़ता रहा क्षतिग्रस्त विमान, इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित, दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने लिखा है, सरकार का फैसला, एयर इंडिया की सुरक्षा अब थर्ड पार्टी देखेगी। गंगा और अन्य दर्जन भर नदियों के लिए रिवर बेसन अथॉरिटी बनाने को दैनिक जागरण ने सचित्र देते हुए लिखा है, इससे संबंधित मैनेजमेंट बिल 2018 से बेहतर जल प्रबंधन होगा और अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटाए जाएंगे। नवभारत टाइम्स की खबर है, करीब 5 साल के इंतजार के बाद दिल्ली की संशोधित लैंड पूलिंग पॉलिसी को केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया। उम्मीद है कि इस पर अमल से अगले कुछ वर्षों में दिल्ली में 17 लाख से ज्यादा नए घर बन सकेंगे। बाजार में कल जोरदार उछाल आने और रुपए में शानदार मजबूती को राजस्थान पत्रिका ने अर्थजगत पन्ने पर प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, सेंसेक्स ने 19 महीने की सबसे लंबी छलांग लगाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जम्मू कश्मीर में आज शहरी निकाय चुनाव के तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला श्रीमती सीतारामन ने फ्रांसीसी रक्षा उद्योग से मेक इन इंडिया पहल के तहत विनिर्माण कार्य के विस्तार का आग्रह किया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इंटरनेट बंद होने की स्थिति में भारत को इंटरनेट शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए सर्वाधिक मतों से चुन लिया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान तितली के असर से पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और खेलों में भारत के साथ हैदराबाद क्रिकेट टेस्ट में आज वेस्टइंडीज पहली पारी में कल के स्कोर 295 रन से आगे खेलेगा। युवा निशानेबाज मनु भाकर युवा ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।